हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू कर जा रहे हैं। जिमें कि सानू पता ही है कि अपना PCS प्री क्रम्स मेन्स का जिहड़ा बाईलिंगुअल का कॉन्सैप्ट आ वो शुरू होया होया है। सो उस दे मतलब अज असी 20 अगस्त के करंट अफेयरस करांगे, जिहदे च असी प्री ओरिएंटेड करंट अफेयरस भी करांगे एंड इहदे नाल असी मेन्स नाल रिलेटेड करंट अफेयरस जिन्हां च कि असी ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी की हुंदी आ ते एक पीसा, ये दो मेन्स नाल रिलेटेड करंट अफेयरस ने जिन्हां चों एक इंडियन एक्सप्रैस का आर्टिकल आ ते एक द हिंदू का आर्टिकल आ। सो असी आ सारे टॉपिक पीसा एक्ट होगा साढ़े कोल एक पूरा कवर, एक इस तों बाद अपना ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी। खैर आपां एक एक करके करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं जी अपने करंट अफेयरस प्री ओरिएंटेड तो, ताकि आपां प्री ते मेन्स के सारे करंट अफेयर साइमल्टेनियसली कर सकीए समा खराब ना करते हुए। सब तो पहला असी पहला करंट अफेयर पिक करते हैं डिवेलपमेंट एक्शन प्लैन फॉर शड्यूल कास्ट, कि जिहड़ियां अनुसूचित जातियां है इन्हां दे नाल इन्हां नाल संबंधित एक स्पैशल महकमा है सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, कि जिन्हों आप कह सकते हैं कि समाजिक विकास मंत्रालय जिहड़ा है, ठीक है। सो उस मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया है, एक फैसला लिया है कि आ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ते एम्पावरमेंट ने दा एक प्लेटफॉर्म आ, प्लेटफॉर्म का नाम समझो की है डिवेलपमेंट एक्शन प्लैन फॉर शड्यूल कास्ट। ये एक ना अमरेला स्कीम आ, अमरेला स्कीम का मतलब होंगे एक वड्डी स्कीम, उहदे तहत छोटियां छोटियां कई स्कीम इकट्ठिया हो जांदियां। इस प्लैन के तहत केंद्र सरकार ने सारियां मिनिस्ट्रियां तो जिन्ना भी पैसा उन्हां सारियां मिनिस्ट्रीज़ नूं शड्यूल कास्ट की वैलफेयर वास्ते अनुसूचित जातियां के विकास वास्ते दिता सीगा, वो पैसा जिहड़ा वह नहीं कितने वधिया तरीके नाल मैनेज कर सके जां ला सके उन्हूं वापस मंगवा लिया, तो वापस मंगवा के उन्हूं सोशल जस्टिस मंत्रालय नूं दे दिता कि इहदे तहत वो 8 मिनिस्ट्रीज़ तो पैसा आया एक फंड च पाता उन्हूं ये यूटीलाइज़ करनगे। कौन यूटीलाइज़ करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ते एम्पावरमेंट वाले। किवें यूटीलाइज़ करनगे? कहिंदे जी ये इस फंड नूं पहलां तां वरतणगे अंबेडकर उत्सव धाम वास्ते। ये एक स्कीम आ सोशल जस्टिस वालियां जी जिहदे तहत ये पिंडां च कम्युनिटी हाल बनाउंदे आ, मतलब पैलेस वगैरह बनाउंदे आ ताकि अनुसूचित जनजातियां दे लोकां दे विआहां वास्ते उन्हां नूं महंगे पैलेसां दा खर्चा ना करना पवे। अमृत जल धारा ये एक स्कीम आ जिहदे च शड्यूल कास्ट लोकां दे घरां नूं जां उन्हां दे खेतां च इरीगेशन सिंचाई का प्रबंध करना। तीसरा है यंग इंटरप्रेन्योर स्कीम, यस इहदे नाल पिंडां दे शड्यूल कास्ट लोकां नूं ट्रैक्टर ते होर इहो जिहे लॉजिस्टिक मुहैया करवाउणे, ठीक आ। उस तों बाद ब्लिस, इहदा मतलब आ कि सर्विस सैक्टर जिहड़े लोक सेवावां च उहने मतलब कि विलुप्त ने उन्हां लोकां नूं कोई सरकारी नौकरी जां प्राइवेट किसी सर्विस सैक्टर च काम कर रहा उन्हां दे बच्चियां नूं सपोर्ट करना। सो इस तरीके नाल इस पैसे नूं DAPS की आ, इह बेसिकली एक शड्यूल कास्ट वास्ते एक एक्शन प्लैन आ ओवरऑल डिवेलपमेंट दा। सो ये सारियां स्कीमां जो जिहड़ा चो कोई कोई पैसा बचिया है उन्हूं सारे नूं इकट्ठा करके इक्को जगह ते इकट्ठा करन दा एक तरीका है, इस चीज़ का नाम आ DAPSC। सो बड़ा इंपोर्टेंट सीगा कि इस प्लैन के तहत सारिया स्कीम मिनिस्ट्रियां तो 8 मिनिस्ट्रियां तो पैसा लिया जिहड़ा उन्होंने शड्यूल कास्ट वास्ते अनुसूचित जातियां के विकास लिए लाउणा सी पर लाया नहीं, वो इक्को मंत्रालय नूं देता। सो ये बड़े इंपोर्टेंट करंट अफेयर सीगा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, कहिंदे आ जी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक थिंक टैंक आ, एक इहो जिहा थिंक टैंक का मतलब हुंदा है एक विचार एक सलाह देने वाली संस्था। ये अंतरराष्ट्रीय सलाह देने वाली संस्था है जिहड़ी लोकां दुनिया के देशों च किसी भी देश नूं ये सलाह दिंदी आ कि तुहाडे देश का ट्रांसपोर्ट किवें दा होना चाहिए, ठीक है। तां इह इस तरीके की संस्था है, ये काम करती आ, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आ, ये एक OECD नाम का संगठन आ, ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट, ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट। ये विकसित देशों का एक समूह आ, 34 कु देश आ यूरोप के जिन्हों का यह समूह आ OECD 1961 च बनया सी फ्रांस च, उहदे अंदर काम करने वाली एक उहदी विचली संस्था है OECD के अंडर काम करने वाली। फिलहाल किसी टाइम तक तो यह सिर्फ विकसित देशों वास्ते ही सलाह दिंदी सी, अज ये विकासशील देशों नूं भी सलाह मशवरे दिंदी है, बिकॉज अज विकासशील देशों तो डिवेलपिंग कंट्रीज़ तो बिना डिवेलप कंट्रीज़ यानी कि विकसित देशों का कोई गुजारा है नहीं।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ITF ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਉਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਤੀ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ OECD ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਤੇ ਐਪ ਆ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਮੰਗਦੇ ਆ MVWOG ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ PCS ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ PDF ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਮ ਬੈਚਿਸ ਸਟੋਰ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਚ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਟਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੂਗਾ ਬੈਚ ਕੋਡ ਭਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਓ PCS 2022-23 ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਵਿਊ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਜੂਗਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡੈਮੋ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ PCS IAS ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UPI ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ UK ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਲਿਆ UK ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ UPI ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੇਜਣੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ RBI ਦੇ RTGS ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ NPCI ਸੀਨ 'ਚ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ UPI ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ SBI ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਪ ਬਣਾਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ ਫੋਨਪੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐਪਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ NPCI ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ UPI
UPI इन्ना कु कामयाब प्लेटफॉर्म सी कि दुनिया के होर जिहड़े भी पेमेंट सैटलमेंट के सिस्टम सी ना ये उन्हां सारियां तो कामयाब सीगा ते इहनू हौली हौली भूटान ने अडोप्ट कर लिया। भूटान तो बाद इस सिस्टम नू होर कई प्लेटफॉर्म्स ने अडोप्ट कर लिया एंड ये अज UK ने भी इनू अडोप्ट कर लिया। ईवन के इहदा UPI का सब तो कामयाब वर्जन की होया इहदा QR कोड जिहदे थ्रू तुसीं UPI तो बनी एक ऐप तो UPI तो बनी दूजी ऐप तक पैसे बहुत ईजली ट्रांसफर कर सकते हो। भारत के नेड़े तेड़े वाले देशों को इहदा कोई एक्सेस नहीं सीगा, इत्थों तक कि भूटान, इत्थों तक कि नेपाल, इत्थों तक कि सिंगापुर तो बाद हुण एशिया तो बाद UK दीआं कंपनियां ने कोई, मैं ये दसना जरूरी समझदा कि UK दी एक UK 8वां देश आ जिन्ने साडा ये प्लेटफॉर्म जिहड़ा जी उहनू अडोप्ट कर लिया है। ठीक है, सो ये कॉन्टैक्सट सीगा। सो इस कॉन्टैक्सट च सवाल आ भी सकदा आपां नूं ते पेपर च ये भी आउंदा हुंदा कि इंडिया दे UPI ने इंग्लैंड की कौनसी कंपनी नाल एग्रीमेंट किया, तो ये उन्होंने पे एक्सपर्ट आ जिन्हों के नाल एग्रीमेंट होया है बेसिकली। ठीक है, सो UPI बनाने वाली जिहड़ी भारतीय कंपनी है उहदा नाम है NPCI। तो याद रखियो UPI एक प्लेटफॉर्म आ, इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बैंक जिमें एक्सिस बैंक, ICICI, SBI कोई भी अपनी ऐप बना लेंदा। इस तो बिना प्राइवेट प्लेयर्स ने भी अपन ऐप UPI बेस्ड ही बनवाई हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे Paytm हो, सारिया UPI बेस्ड ऐप्स ने। ठीक है, इस तो पहला Paytm अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया च आया सीगा, बट वो प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं होया वॉलेट, फिर उस तो बाद उन्होंने UPI के प्लेटफॉर्म तो ही ऐप डिवेलप करवानी पई। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज ये कह लो कि साढ़े वास्ते बड़ी प्राउड वाली गल। सो नैक्सट अगला करंट अफेयर जिहड़ा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट आ, SEBI नाल संबंधित करंट अफेयर आ जी। ठीक है, SEBI नाल संबंधित एक करंट अफेयर आ। SEBI नाल संबंधित एक करंट अफेयर है की है, देखो पहली गल तो तुहानू थोड़ा चिर ला के मैं ये समझा दा कि वट इज़ SEBI। SEBI की चीज़ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है, असल च आपां नूं पता है कि असी पैसे दे के एक जगह तो दूजी जगह पर समान खरीदते हैं। ठीक है, पर तुहानूं पता है कि हुण दुनिया इन्नी तेज़ हो गई है कि शेयर मार्केट च तुहाडे कोल कोई भी शेयरस ने, शेयरस नूं आपां सिक्योरिटीज़ भी कह दिंदे आ, सिक्योरिटीज़ भी एक जगह तो दूजी जगह पर विकदियां है। ठीक है, सो एक मिनट ब्रेक तो बाद मैं करदा। हाँ जी सॉरी, तो देखो SEBI की चीज़ है, पहला मैं ये गल क्लीयर करदा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहला तो आप इस पॉइंट नूं समझन की कोशिश करते हैं कि है की है वट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सानू इंडिया दे विच ना उदों तक इहो जे किसी भी रेगुलेटर की लोड़ नहीं पई। एक शब्द बोलिया मैं रेगुलेटर, पहला मैं रेगुलेटर ही समझा दा। तुहानूं पता टैलीकॉम कंपनियां किन्नियां साढ़े नेड़े तेड़े काम करदियां, ये टैलीकॉम कंपनीज़ नूं रेगुलेट करने वास्ते एक संस्था बनी है TRAI, टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिहड़ी इन्हां टैलीकॉम कंपनियां ते निगरानी रखती है। किन्ने फिल्म मेकर फिल्म बनाउंदे आ, CBFC सेंट्रल फिल्म बोर्ड सर्टिफिकेशन नाम की संस्था उन्हां नूं निगर वास्ते बनी आ। इंश्योरेंस दीआं किन्नियां कंपनियां उन्हां ते निगाह रखण वास्ते IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था बनी है। शेयर मार्केट च किन्नियां कंपनियां काम करदियां उन्हां सब ते निगरानी रखने वास्ते सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की कंपनी बनी, नाम का रेगुलेटर बनया, कंपनी नहीं कंपनियां नूं निगरानी रखने वास्ते रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब हुंदा जिहड़ा उन्हां ते निगरानी रखे। ठीक है, SEBI 1988 च बनता है, 88 च बनता है, पर पार्लीमेंट ने कानून पास करके इन 1992 दे विच विधानिक संस्था बनाता। विधानिक यानी कि स्टैचूटरी मतलब पार्लीमेंट का कानून ये मगर खड़ गया के फिर पार्लीमेंट ने कानून पार्लीमेंट चो पास करती है बॉडी 1992 च। यदा मतलब 88 च बनती है तो 92 च स्टैचूटरी हो जाती है। ये कम इस संस्था को हुण पार्लीमेंट की विधानिकता हैगी है, पार्लीमेंट तो दिती हुई शक्तियाँ ये को। यही मैं दसना चाहना कि यदि शक्तियाँ किहड़े काम आउंदियां हुण। असल दे विच की सीगा, SEBI बहुत तरीके नाल आम इनवैसटर्स, मेरे वर्गा बंदा शेयर मार्केट च 10,000 रुपया लाना चाहुंदा, किड्डी गल 10,000 रुपया यार, एक वड्डे वड्डे बागड़ वेले आ के 10,000 मैटर नहीं करता, पर मेरे 10,000 दी वैल्यू शायद मेरे वास्ते बहुत आ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਸੈਬੀ? ਸੈਬੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਓਸਕੋ ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ AIF, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ 100 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈਬੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ FATF ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ FATF ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ। ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ EOSCO, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈਬੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ WCF ਅਤੇ AIF 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ MOU ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਿ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਸੈਬੀ ਵੀ ਸਮਝਾਤੀ, ECOSO ਵੀ ਸਮਝਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ FATF ਦੀਆਂ 2 ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ OECD ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਡੁੱਬੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੂੰਗਾ, ਤੈਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੈਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਕੀ ਆ? ਅਗਲਾ ਡੁੱਬੇ ਮਰੇ ਖਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਟ ਨੋਨ ਰਿਸਕੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ। ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਬੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਬੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਕੋਸੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਕੋਸੋ
अगे अपने को रह गए करंट अफेयर जिन्हें रह गए इन्हों करन तो पहला आपां एक मेन्स का करंट अफेयर चक लीए बिकॉज प्री ते मेन्स के करंट अफेयर मिक्स मिक्स कर लीए तो वधिया है। अगला करंट अफेयर एक मेन्स नाल रिलेटड करते हैं फिर इस तो बाद एक मेन्स नाल रिलेटड एंड च करांगे। बड़ा सोहना करंट अफेयर आ ब्लॉक चेन बियोंड क्रिप्टो करंसीज। ठीक आ, एक नाम बड़ा मशहूर आ बिटकॉइन। असी सोचते हाँ बिटकॉइन की चीज़ है, एक अजिहा करंसी जिहदा पता ही नहीं लग्या कि दुनिया च किवें मशहूर हो गई। ठीक आ, सितोशी नाकामोटो नाम का एक शख्स सीगा जिहदे बारे ये कहा जाता है कि 2009 च उन्हें एक करंसी बनाई सी। जदों असी करंसी का इतिहास देखिए ना तो सानू याद आता है कि सब तो पुराना एक बार्टर सिस्टम हुंदा सी। पैसा तुसी 2 किलो टमाटर तो किसी ने 2 किलो प्याज तुहानू देते तुसी उहदे नाल उहनां नूं एक्सचेंज कर लिया। समा बदलिया तो तुसी ये देखिया कि हर कम्यूनिटी किसी भी आपां सोसाइटी रहीए उत्थे कोई ना कोई चीज़ बहुत कीमती हुंदी है। किसी सोसाइटी मोर के पंख कीमती होंगे आ, वह मोर के पंखा नाल व्यापार करते हैं कि भाई जिद को ज़्यादा मोर के पंख ज़्यादा अमीर। किसी बरादरी किसी कम्युनिटी ठीक आ पत्थर कोई कीमती पत्थर स्टोन जोड़ा वह वैल्यूएबल हो जाता है। सो इस तरीके व्यापार लोग एवें करते। फिर वक्त बदलिया लोगों के कोल एक नवे प्रकार की करंसी आ गई फुल बॉडी करंसी। जिमें एक गोल्ड का सिक्का है तो वह 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम की वैल्यू उस समय 3000 आ तो 3000 दे चलूगा। एक चांदी का सिक्का है वो वैल्यू 500 रुपए आ तो 500 दे चलूगा। ठीक है, इनू कहिंदे आ फुल बॉडी कॉइन। फिर उस तो बाद एक नवे प्रकार के सिक्के आए जिहदे उपर जिहड़ा अपनी कीमत के हिसाब नाल नहीं अपने लिखे उपर नंबर के हिसाब नाल चलता सी। जे किसी सिक्के ते 50 लिखिया तो 50 दा चलूगा बेशक उहदी अपनी कीमत 2 रुपए ही क्यों ना होवे। उहनू कहिंदे आ टोकन करंसी। वक्त बदलिया फिर लोगों ने पेपर करंसी तक आए। पेपर करंसी भी एक प्रकार की टोकन करंसी हुई सी क्योंकि वह कागज़ तो आप तो 50 पैसे का भी नहीं हुंदा तो लिखिया उहदे ते जे 2000 आ तो 2000 च चलता है। फिर एक कागज़ वाली करंसी जिहड़ी सी ये हौली हौली कागज़ की करंसी के अगेंस्ट तुसी बैंकां च डिजिटल करंसी लैण लग पे। जिनी तुहाडी फिजिकल करंसी बैंकां च मौजूद आ उहदे अगेंस्ट तुसी ATM चों पैसे कढा सकते हो। तुसी उहदे अगेंस्ट ही उहदे बदले च ही तुसी 500,000 रुपए दूजे नूं ट्रांसफर कर सकते हो फोन टू फोन। इहनूं कहिंदे आ डिजिटल करंसी। पर डिजिटल करंसी तक जिन्नी शुरू तो लैके करंसी सी सरकार जिहड़ी भी मौके दी सी चाहे राजा सी चाहे कोई भी सी उहनां दा इहनां करंसियां ते कंट्रोल सी। वक्त उदों बदलिया जदों करंसी बिटकॉइन दे रूप च आ गई। एक नवीं टैक्नोलॉजी दे नाल करंसी बनाई गई। टैक्नोलॉजी दा नाम सी ब्लॉक चेन। वट इज़ दिस ब्लॉक चेन? तुसी 10 जाने हो तुहाडे 10 जाण कोल 10 रजिस्टर ने। ठीक आ, तुसी 10 जाने हो तो तुहाडे 10 जाण कोल 10 रजिस्टर ने किहड़े हिसाब किताब वाले वही खाते जिन्हों आपां लैजर कह दिंदे आ। तुसी 10 जाणिआं ने 10 रजिस्टरां ते 10 ही जाणिआं दे नाम लिखे हुए आ। ठीक आ, ते तुसी एक दिन शामी मिले सारे तुहानूं किसी ने पुछिआ कि अज दे दिन च किसी ने किसी तो कोई पैसे लए आ। किसी ने कहा कि फलाने सिंह ने फलानी कौर नूं 50 रुपए दित्ते आ। जिहड़े फलाने सिंह ने फलानी कौर नूं 50 रुपए दित्ते सीगे ठीक आ, तुसी ओह 50 रुपए उहने लिखते आ कि मैं इहनूं दित्ते आ, 50 रुपए मेरे इत्थों इधर नूं ट्रांसफर हो गए। पर इहदे नाल जिन्हें दिते आ उन्हें भी अपनी कापी च लिख ले, जिन्हों दिते आ उन्हें भी अपनी कापी च लिख ले, तो इस तो बिना 10-8 जने जिहड़े होर सी उन्होंने भी अपनी कापी च लिख ले कि इन्ने इहनूं पैसे दिते आ। इट मीनस ये एक अजिही टैक्नोलॉजी आ जिहदे च हिसाब बेशक 2 जण्यां दा है पर 8 जण्यां ने आपो अपने वही खाते चों लिख लिया। कलू जे उन्हां चों एक जना भी दूजे नूं फसाउण दी खातर अपनी कापी च कोई मैनुपुलेशन करूगा तो चलाकी नाल दूजे की कापी च भी कुछ लिख आऊगा कि वह 10 जण्यां की कापी बदल सकूगा? नहीं ना। इस टैक्नोलॉजी नूं कहिंदे आ ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी। क्यों कहिंदे आ ब्लॉक चेन? मन लो कलू किसी एक जने ने 15 जिन्हें 20 रुपए 10 नूं दूजे नूं दित्ते सी उन्हें 5 रुपए होर देते, जो अगले शामी बहन गए तो इस ब्लॉक के उपर एक ब्लॉक होर धरिया जाऊगा कि 5 रुपए होर दिते आ। एक ब्लॉक नाल दूजा, दूजे नाल तीजा, तीजे नाल चौथा, चौथे नाल पंजवां। ठीक है, जदों ये कहता किसी ने गलती नाल 5 रुपए मटेते, जे किसी ने गलती नाल 5 रुपए मटेते तो उस 5 रुपए नूं मटेण लई तुहानूं सारियां कापियां चों 5-5 रुपए का हिसाब खत्म करना पऊगा। जिहड़े डब्बे दे विचों 5 रुपए लिखे आ उहनूं टैक्नीकल भाषा च हैश किया जांदा है।
तो उहदे नाल पिछला हैश जुड़िया होया है, उहनूं कहिंदे आ प्रीवियस वाला हैश, पुराना हैश। सो एक चीज़ पुराने नाल जुड़ी आ, वह अपने पुराने नाल जुड़ी आ, वह अपने पुराने हैश नाल जुड़ी आ। इट मीनस एक चीज़ नूं भी जे बदलना तो वह सारियां बदलनियां पैणगियां। यदि कमजोरी भी है कि जे कोई गलत एंट्री हो जाए तो उन्होंने ठीक करने वास्ते जे रब भी करना पै गया तो सारा सिस्टम बदलना पवेगा, सानू सारिया तो मंजूरी लैनी पवेगी, सारू आपो अपनी लैजर जी कंप्यूटर खोल के अपना पासवर्ड बदल के सबनों इनफॉर्म करना पवेगा कि तुसी सारी चेंज कर लो। इट मीनस जे कोई गलत एंट्री पै गई तो उन्होंने ठीक करने वास्ते सारा सिस्टम ठीक करना पवेगा। यदि कमजोरी भी है कि पता कोई सही चीज़, कई बार कोई गलती ही हो जाती है, पर हाँ जे कोई जानबुझ के किसी चीज़ को गलत करेगा तो उन्हें गलत किया नहीं जा सकता, क्योंकि कितने के जाके कितना के जाके गलत करेगा। तो ये चीज़ आ जी ब्लॉक चेन। हुण ये ब्लॉक चेन को बिटकॉइन वास्ते किवें बनाया गया, मार्केट दे विच एक अजिही करंसी सिट दित्ती गई जिहदे च इंटरनेट ते इंटरनेट की दुनिया च एक इहो जी करंसी सिट दित्ती गई जिहदी डिमांड ते सप्लाई दे आधार ते लोगों नूं लग्या कि ये चीज़ मैं इन्ने दी खरीदनी है। हर बंदे को अपना वॉलेट सी, पैकेट बक्स वो सीगा, बटुआ सीगा जेड़ा कि उन्हें ऑनलाइन रख्या हुंदा है। इहदे च जिहदे कोल पैसे आ उहदी वैल्यू दूजा बंदा लाउंदा है, ठीक आ, उहदे तों वह बाय कर लैंदा है। तो जिन्ने एक जाने नूं दूजे जाने नूं दित्ते आ, जिन्ने बिटकॉइन की दुनिया च दुनिया एक नैटवर्क से काम कर रही है, उन्हां सारियां दी लैजर सारियां दी हिसाब वाली कापी च वह बदल जूगी इनफॉर्मेशन कि फलाने ने फलाने यूजर आई डी वाले नूं इन्ना पैसे दित्ते आ। आपां जिवें अपनी आम दुनिया च गल करते हैं एक यूजर आई डी ते एक पासवर्ड, ये गल करते हैं प्राइमरी की ते सेकेंडरी की कह के, बस उन्हूं यूजर आई डी ते पासवर्ड ही मान लो एक हिसाब नाल। सो मेरे कहण दा मतलब ये आ कि ये एक अजिही टेक्नोलॉजी आ जिहदे बदले ते एक गल तो बड़ी क्लीयर आ कि बिटकॉइन नाम का जिहड़ा कॉन्सैप्ट सीगा वह ब्लॉक चेन ते आधारित सीगा। ब्लॉक चेन दे आधार ते बिटकॉइन इन्ना बदनाम सीगा क्योंकि इत्थे सारे सिस्टम नूं मैनेज करदे आ वह सारे लोग जिहड़े इस ब्लॉक चेन च इनवॉल्व ने। किसी देश की कोई सरकारी संस्था इनू मगरों निगरानी नहीं रख सकती क्योंकि किसी की नहीं चलती। इट मीनस इन्हां बिटकॉइनस की मदद नाल तुसी कलू किसी की मौत की सुपारी दे सकते हो, इलीगल समान खरीद सकते हो, ठीक है, गलत काम इहदे नाल किए जा सकते हैं ब्लॉक चेन के बिटकॉइनस नाल। इट मीनस बिटकॉइन जिहदे नाल जिहड़ी कि एक करंसी आ इनू घट्टो घट किसी सरकार के कंट्रोल तो रहना चाहिए सी, इस करके बिटकॉइन दुनिया के देशों ने स्वीकार नहीं किया। मैं बिटकॉइन झाड़ के साइड पर कर दिना, ये किस सिद्धांत पर काम करता सीगा, ब्लॉक चेन पर। तुसी मैनू ब्लॉक चेन बारे दसो कि उहदे बारे की विचार आ थोड़े। ब्लॉक चेन तो बहुत घैंट चीज़ है, मान लो भारत का सारा रीयल स्टेट आ जिहड़े व्यापारी बिजन लोगों के घर के रजिस्ट्रियां होंदियां, जे इनू रीयल स्टेट नूं आपां इहदे ते चाढ़ दईए, एक बार जे सही डाटा सारा चढ़ जाए, ठीक है, तो बाई चांस कलू कोई बंदा किसी भी नाँ के हाउस नंबर के अगे किसी बंदे का एड्रैस जाली एड्रैस डिलीट कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज कितों कितों डिलीट करेगा। ब्लॉक चेन च हर एक जगह पर जिदे जिदे को किसी बैंक को सारे बैंकों की एजेंसी बैंकों को, ठीक है, सरकारी मतलब दफ्तर को सेंटर सरकार स्टेट सरकार उस बंदे को आप को सारी लैजर का असैस होगा कितों कितों जाके तुसी चेंज करोगे कि ये घर एदा नहीं है फलाने का है। रीयल स्टेट से यदा काम कितना ज़्यादा है। एजुकेशन की फील्ड आ जाओ, स्पैशली भारत की जिहड़ी नवी विद्या नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, ठीक है, ये कितना काम आ, ये तो नजायज़ वधिया काम आ। अजक सुनया नहीं कि भारत च नवी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो सुन च आया है कि एक बंदा एक तो वह मल्टी डिसिपलिनरी तीन सब्जैक्ट आर्ट्स के पढ़ सकता, एक कॉमर्स का पढ़ सकता, एक साइंस का पढ़ सकता है। इन्ना हिसाब सरकार किमें रखेगी, सरकार लैजर बना लूगी एक बच्चे का, तो जिहड़ा सब्जैक्ट वो जिन्ने पॉइंट आ वह पॉइंट दो दूगी, जिहड़ा सब्जैक्ट करी जाऊगा उन्ने पॉइंट ऐड हो ही जाएंगे। जिहड़ा हिसाब किताब आम कंप्यूटर को नहीं रखा जाना वो इस ब्लॉक चेन नाल दी टेक्नोलॉजी का जिहड़ा वही खाता है लैजर आल कि रखा जाऊगा, क्योंकि वो कोई भी अपने वालों एंट्री कर सकता। अगले बंदे एंट्री एक बंदे ने एंट्री की कि मैं आह सब्जैक्ट पास कर लिया मेरे इन्ने नंबर आ, दूजे पास दूजे पार्टी ने उन्हें वेरीफाई करता, वो गल ए पार्टी बच्चा हो गया, बी उहदा यूनीवर्सिटी हो गई, तो वह सारिया की लैजर चले गया। सारे कौन, केंद्र सरकार, सूबा सरकार, यूनीवर्सिटी, बच्चा, तो हर एक अदारा जिहड़ा उस बच्चे की उस क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्हें नौकरी देना चाहता है।
इस तो बिना सरकार भी चाहती है कि असी बच्चों नूं मल्टी डिसिपलिनरी स्कॉलरशिपां दईए कि वक्खो वक्ख फील्ड दे विच स्कॉलरशिप्स दईए। सरकार अपनी स्कॉलरशिप नूं भी लैजर दे अकॉर्डिंग चैक करके उस हिसाब नाल लैजर बना के बच्चों नूं स्कॉलरशिप दे सकती है, क्योंकि एक बच्चा जे किसी विषय दे विच 80% चंगा है तो उन्हूं 80% स्कॉलरशिप, दूजा बच्चा 30% चंगा है उन्हूं 30%, ये भी तो एक बहुत वड्डे वही खाते के रूप च ही दित्ती जा सकती है ना। सो ये इत्थे काम आ सकती है। सो नवी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब नाल चलना तो ब्लॉक टैक्नोलॉजी तो तुसी सोच भी नहीं सकते कि कितनी वधिया तरीके नाल काम आऊगी ये ब्लॉक टैक्नोलॉजी जिहड़ी है। ठीक है, एक तो साडी नवी एजुकेशन पॉलिसी के मकसद नूं पूरा कर सकती है। ठीक है, एक तो स्किल बैजिज बच्चे नूं स्किल डिवेलपमेंट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप ये अकॉर्डिंग बच्चों का हिसाब किताब जिन्हें वक्रे वक्रे तरीके सबजैक्ट तो वक्रिया वक्रिया यूनीवर्सिटीज़ खोल रही है तो बच्चों का डाटा छेड़खानी तो रहित रहे ट्रांसपेरेंट रहे, इस करके यही वो चीज़ है जिहड़ी सब तो वध बच्चों वास्ते सार्थक हो सकती है। ठीक है, बच्चों की ते टीचर्स की परफॉर्मेंस टीचरां दी परफॉर्मेंस सेंटर सरकार स्टेट सरकार सेंटर सरकार दे महकमे वड्डे लैवल ते इक्को जगह ते इकट्ठे रख सकते हैं बिना किसी छेड़खानी तो। नैट च तां फिर भी इनक्रोचमेंट हो सकती है, वायरस तो एंट्री कराई जा सकती है, इत्थे वायरस की एंट्री करा के पूरी लैजर च किहदे किहदे कोल जाके हिसाब किताब ठीक करोगे। मैं एक गल समझाना चाहना कि जे तुसी कल नूं इह कहता कि ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी दे आधारित बिटकॉइन्स फेल आ, ब्लॉक चेन नूं फेल ना कर दिओ, क्योंकि ब्लॉक चेन एक बहुत वड्डा प्लेटफॉर्म आ, उहदे ते एक छोटी जी मक्खी आ बिटकॉइन। ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी तो बहुत तगड़ी टैक्नोलॉजी आ, ये इंटरनेट का भी एक बदलता हुआ रूप आ, नवे टाइप का इंटरनेट आ, एक दुनिया च नवे प्रकार का एक रेवोल्यूशन आ, एक क्रांति आ जे इहनूं वधिया तरीके नाल। मैं मानता कि करंसी बिटकॉइन जिहड़ी आ उह एक खतरा है क्योंकि उत्ते सरकार का कंट्रोल नहीं। RBI जो वक्रे वक्रे बैंकों अपनी इंटरलिंकिंग करता है तो कितनी बार RBI के बनाए हुए जिहड़े सॉफ्टवेयर ने चाहे ई कुबेर आ कोई भी है उत्ते कितनी बार वायरस का अटैक होया है। जे RBI बैंकों के नाल ते एक केंद्र एक वड्डा बैंक अपन ब्रांचों के नाल ब्लॉक चेन नाल जुड़े तो की वायरस वर्गी चीज़ जिहड़ी आ की उहदे ते अटैक कर सकती है? कदे भी नहीं, बिकॉज ब्लॉक चेन च हिसाब किताब ते इनफॉर्मेशन मल्टीपल लैवल्स ते पई हुंदी है, मल्टीपल लैवल्स ते पई है। सो यही एक उपलब्धि है साडे कोल, पर तुहानूं पता इस ब्लॉक चेन नूं टैक्नोलॉजी नूं चलाउण वास्ते किन्ने वड्डे पद्धर ते एक्सपर्ट चाहीदे आ। ठीक है, सो इहो जिहियां कमियां हजे भारत च हैगियां है, जे ये दूर कर लिया जाण तां ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी आउण वाले समें च एक बहुत वड्डी रेवोल्यूशन दे तौर ते उभरूगी। आ तुहाडे सामने गणाता मैं आइडिया बनाउणियां, इत्थों तक कि एक बड़ी सोहणी गल आ वोटिंग। अज तक यह खतरा है कि वोटां जिहड़ियां ने इंटरनेट दे थ्रू थां नहीं भराईयां जा सकदियां क्योंकि सरकार भी इंटरनेट नूं हैक कर सकती है। जिहड़ा वोटिंग आ जदों ब्लॉक चेन दे थ्रू पई तां जिहड़े बंदे ने वोट पाई उहदे कोल भी अपनी ID च असैस हैगा है कि मैं इहनूं पाई आ, जिहदे कोल पई आ उहदे कोल भी आ, जिहदे कोल नहीं पई सारिआं कोल उहदा प्रॉपर असैस होऊगा। तां किवें वोटिंग वर्गी चीज़ भी अज तो 10 साल बाद ब्लॉक चेन ते हो सकती है? आ पेमेंट ट्रांसफर करने इच कोई किसी प्रकार का घपला नहीं हो सकता, नहीं तो तुसी एक पासे दूजे बैंक च पैसे ट्रांसफर कर दिओ, की पता वायरस नाल कोई तुहाडे पैसे नूं डाइवर्ट कर ले। ठीक है, अटैक करके थोड़े ते साइबर अटैक कर दे, पर ब्लॉक चेन ते साइबर अटैक नहीं हो सकता। सो हैल्थ केयर बहुत फील्ड ने जिन्हां च इहनूं वरत्या जा सकता है बहुत वड्डे पद्धर ते। ठीक है, कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने कि हाँ सिक्योरिटी चैलेंज बहुत आ बिकॉज सरकार दे दायरे तो बाहर चल जाती है चीज़, इस करके एक खतरा जरूर आ साडे कोल इहदे ओ नहीं। इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी का मतलब यह आ कि ये एक बार कोई चीज़ गलत हो जाए उन्हें ठीक करना अपने आप एक बहुत औखा है। ठीक है, इंटर ओपरेटेबिलिटी, यदि इंटर ओपरेटेबिलिटी मतलब एक चीज़ एक पासे एक चीज़ जिन्हों आप ओपरेट कर रहे हैं उन्होंने दूजे प्लेटफॉर्म से लैके जाना भी औखा है। जिमें इंटरनेट आज तो आप एक चीज़ तो दूजी च तो दूजी को पहली नाल ओपरेट कर सकते हैं, ये उस चीज़ की थोड़ी जी कमी है। ठीक है, क्योंकि हजे तो यह नवी नवी डिवेलप हो रही है ना, जो पूरे तरीके डिवेलप होगी तो इन हर खेत्र खुल के वरत्या जा सकता है। इम्यूटेबिलिटी भी यदा एक बहुत वड्डी समस्या है कि जेद कोई गलत एंट्री हो जाए उन्होंने दोबारा ठीक करना हो जाए तो सारी की सारिया की लैजर जिन्या को असैस आ सबू चेंज सब तो चेंज करवाना पेगा। साडे कोल हजे टैक्नीकल एक्सपर्ट भी इस पद्धर ते नहीं हैगे कि जिहड़े इस ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी नूं भारत च क्रांति दे तौर ते वरत सकन। जे ये सब कुछ हो जाता है यही इहदा वे फॉरवर्ड आ कि जे इहदे नाल रिलेटड कंसर्नस सुधार ले जांदे आ, मसला हल कर लिया जाता है। ठीक है, तो असीं इहदे च पैसा इनवैसट कर लिया जाता है, असीं इहनूं एजुकेशन बैंकिंग रीयल स्टेट ये तो वह फील्डां ने जिहदे च असीं इहनूं बहुत वड्डे पद्धर ते वरत सकते हैं।
अज मैं तुहानूं ये समझाउण दी कोशिश कीती है कि जिस ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी नूं तुसीं एक आम जी गल सिर्फ बिटकॉइन नाल जोड़ के देखते सी, एक कल्ली बिटकॉइन नाल जुड़ी हुई चीज़ नहीं गी, ये बहुत वड्डी चीज़ है। ठीक है, ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी नूं लैके कितना वधिया आर्टिकल सीगा ते इहदे ते बेस्ड पीपीएससी जीएस 4 च सवाल पुछदी है, कहिंदे अज तक ब्लॉक चेन जिहड़ी आ ये सिर्फ बिटकॉइन ते एरिथीरियम ये दो ये भी करंसी है इतों तक ही दुनिया ने जानी सी कि इहदा पोटेंशियल होर सैक्टर्स जिवें कि एजुकेशन दे विच वरत्या जा सकता है, इहदे ते चर्चा करो। मैं कहना एजुकेशन रीयल स्टेट दी मैं एग्जाम्पलां दित्तियां, एजुकेशन ते किड्डी एग्जाम्पल दित्ती है मैं तुहानूं, भावें पंजाबी च लिख लो भावें इंग्लिश च लिख लो 250 वर्ड किते नहीं गए। पहला ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी बारे जे कल साइंस का पेपर च भी आ गया ना कि ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी काम किवें करदी है, मैं तो वह भी समझाता तुहानूं पंजाबी च। अगे हुण तुहाडी किस्मत आ कि तुसीं इस साइंस के टॉपिक नूं किवें लैणा, टॉपिक बड़ा इंट्रस्टिंग सीगा। ठीक है, सो मेरी कोशिश सी कि तुहानूं चंगी तरह दस्या जाए। आ जाओ, करंट कर रहे थे विच एक मेन्स का करंट अफेयर करन दा मैं तुहानूं दस्या, हुण आपां दुबारा फिर अपने स्टैटिक के करंट अफेयर से आ जाने बिना समा खराब करे। कहिंदे पकोसो, वैसे जे आ कट दीए पसोको जे आ कट दीए तां पोस्को बन जाए, वो एक बच्चों नूं अब्यूज़ तो बचाउण वास्ते एक भारत च 2012 च बनिया एक कानून आ, ये पसोको आ। ये की आ, पहला मैं तुहानूं स्टोरी सुनाउणा कि भारत दे विच ना कई स्टेटां ने हर स्टेट दियां अपनियां सरकारी ते प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज ने, किहड़ियां ट्रांसमिशन कंपनियां, ये ट्रांसमिशन कंपनियां किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां बिजली नूं एक जगह तो दूजी जगह ते ट्रांसमिट करदियां, ट्रांसमिशन च कम करदियां, जिवें पंजाब च PSTCL ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, इस तरीके नाल TCLs बहुत स्टेटां दियां। इन्हां कंपनियां बहुत माड़े पद्धर ते पहुँच गईयां सीगियां, वजह इन्हां दियां तारां गल गईयां सी, इन्हां दी बिजली एक जगह तो दूजी जगह ट्रांसफर होण ते बहुत खर्चा लैंदी सी, बहुत कुछ सीगा इन्हां नाल संबंधित। खैर ये सब कुछ सीगा, ठीक है, ये ट्रांसमिशन का काम जिहड़ा सीगा ये सब कुछ सीगा। तो होया कि इस सारे केस दे विच, इस सारे पॉइंट दे विच एक चीज़ बड़ी खतरनाक देखण नूं मिली कि ये कंपनियां घाटे च जाण लग पईयां। सरकार भी चाहती सी कि इन्हां कंपनियां नूं किसे तरीके घाटे चों कढीए, सरकार ने एक स्कीम चलाई, नाम रखिया उदे उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस स्कीम, भारत सरकार दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर मंत्रालय जिहड़ा भारत सरकार दा, ठीक है, उस पावर मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय ने की किया, उदे स्कीम दे तहत एक कंपनी बनाई, नाम रखिया पसोको, ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन, उदे थ्रू इन्हां कंपनियां नूं पैसा दिता उदे स्कीम दे तहत कि तुसीं अपनियां तारां तूरां बदल लो। इन्हां चों बड़ियां डिस्कॉम्स, डिस्कॉम हुंदियां है उह वालियां कंपनियां जिहड़ियां पावर ट्रांसपोर्ट करदियां है, ट्रांसमिशन करदियां है, उन्हां नूं बड़ा पैसा दिता। इन्हां कंपनियां ने की किया, पैसा लै लिया, अपनियां तारां तूरां नहीं बदलियां, तो उस तो बाद अगे जाके फिर इन्होंने पैसे मोड़ने भी सके, बिकॉज जो इन्हों तारा तूर पै गई चंगिया फिर इन्हों प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि पहला तो इन्हों 20% बिजली खराब हो जाती सी, हूँ 10% ही खराब हुई, वो 10% का प्रॉफिट नाल इन्हों कि जोड़ा मुनाफा वधूगा वो साढ़े पैसे मोड़ दौ भाई। जड़िया ने नहीं मोड़े उन्होंने साफ कहता कि केंद्र सरकार का एक ना पूल आ, पूल का मतलब एक खूह आ जिते सारिया कंपनिया की बिजली जी इकट्ठी होकर डिगती है, जिहड़ी कंपनी नूं बिजली वध बना ली आ जनरेट करन वालिया ने उन्हां दी बिजली इत्थे आ जांदी आ, ते जिहड़े किसे स्टेट नूं बिजली वध चाहीदी हुंदी आ इत्थों खरीद लैंदा। 14 कंपनियां नूं साफ, 13 कंपनियां नूं साफ ना करती कि तुसीं हुण सांझे पूल चों बिजली नहीं खरीद सकदे क्योंकि तुसीं साडे पैसे नहीं मोड़े। इन्हां डिस्कॉम्स ने पैसे क्यों नहीं मोड़े, मान लो एक स्टेट गौरमेंट की कोई सरकारी कंपनी आ, राज सरकार की, सूबा सरकार की, उन्हें एक पैसे लए, स्टेट सरकार ने उन्हां तों पैसे आप फड़ ले कितने होर ही खर्चते, वह बेचारे अपन तारा बदला ही नहीं सके, तो लॉस हजे भी होंने, घाटे हजे भी होंने, क्योंकि बिजली तो बहुत खराब हो रही है, पैसे मोड़ नहीं सके। सो इवें ह्यूमिलेशन भी झलनिया पैदा है। सो ये सारा कुछ कि दूजी गल ये आ कि जिहड़ियां कंपनियां बिजली जनरेट कर दियां जिथों ये नॉर्मली, चलो हुण तां ये सांझे पूल की गल आ, जिथों ये बिजली जनरेट करके खरीद के लैके आउंदियां उत्थों भी कई बार इन्हां दे पैसे लेट फेट हो जाते हैं, भी इस करके कई बार ये कंपनियां जिहड़ियां ने ये पैसे तां नहीं चुका पाउंदियां। सो इन्हां दियां पेमेंट्स जिहड़ियां सीगियां सेंटर सरकार दे पसोको नूं करनियां रह गईयां, सेंटर सरकार ने इन्हां दे सेंट्रल पूल दे विच्चों मनाही करती कि तुसीं हुण सेंट्रल पूल दे विच्चों बिजली नहीं खरीदोगे, सेंट्रल पूल कोई बिजली जनरेट नहीं करता,
सारिया स्टेट दिया सारिया स्टेटा दिया जिन्निया कंपनियां बिजली पैदा कर दिया है उन्हां दी एक्सट्रा बिजली उत्थे इकट्ठी हो जाती है कि ठीक है जिहड़ी स्कीम के तहत इन्हां नूं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां नूं ये पैसे दिते गए सी उह स्कीम सीगी उदय स्कीम उजाला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सो ये पेपर च आ सकती है। नैक्सट उस तो बाद अगली स्कीम अपनी आ गई दैट इज़ सॉवरन गोल्ड बोंड स्कीम ये की है जी सॉवरन गोल्ड बोंड स्कीम वट इज़ दिस सॉवरन गोल्ड बोंड स्कीम समझे हो तो बड़ी खास गल कहिंदे भारत च औरतों वास्ते गहना एंड चीज़ है ठीक है क्योंकि ओबियस जी गल है गोल्ड है मोदी सरकार ने सहु खाधी कि भारत दीआं कुड़ियां तो लेडीज़ के गलों चो सोना ला के उन्होंने लालच देना कि भाई गला च सोना ना पाओ ये देश वास्ते खतरा है खतरा इस करके आ कि तुसी इन्ना सोना मंगाउंदियां हो इन्ना सोना पाउंदियां हो जां पाउंदे हो कल्लियां कुड़ियां तां नहीं पाउंदियां मुंडियां नूं भी उन्ना ही इंट्रस्ट आ सोने च तां तुसी इन्ना सोना खपत करदे हो ठीक है इन्ना सोना कंज्यूम करदे हो असी अंतरराष्ट्रीय पद्धर तो सोने दीआं ही डिमांड नहीं पूरी कर पाउंदे होर कम दीआं चीज़ां खरीदियां नहीं जांदियां कई बार खैर ये भी एक गल भारत सरकार भारत के लोगों के घर पिया वाधू का सोना कढ़ाना चाहती सी इस करके एक स्कीम आई 2015 च मोदी सरकार सॉवरन गोल्ड स्कीम लैके आए कि घर पिया सोना सरकार दो 8 साल का मच्योरिटी पीरियड चाहिए होगा 5 साल बाद कढ़वा भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं एक तो जदों अज दो सोना वो बदले एक कागज़ देवे तो बोंड देवे एक तो बोंड ता सोना मोड़ देंगे एक सोना मुड़ांगे एक जिन्ना उस टाइम का रेट होगा उस हिसाब नाल तुहाडे तो सोना जिहड़ा है उहदे उस हिसाब नाल एक्सट्रा पैसे भी देवांगे प्लस 2.5% ब्याज भी देवांगे किड्डी वड्डी गल है सो यह कहानी सी सॉवरन गोल्ड बोंड की ठीक है खबरां च इस करके आ कि इहनूं दुबारा फिर दूजी सीरीज़ वास्ते ओपन किया गया है बस करंट फिर इन्ना सी 2015 च घरां च पिया सोना कढ़ाउण वास्ते सरकार ने कोशिश की सी कि किते सरकार ते जिहड़ा बोझ है ना वो ना पै जाए किते ठीक है तो सरकार घरां चों कढ़ के सोना ही बैंकां च जमा करा दे ते जिहड़ा बाहरों सोने की खपत हो रही है उन्हूं रोकिया जा सके क्योंकि RBI नूं भी अपने कोल गोल्ड की बैकअप की बैकिंग की लोड़ आ ते RBI कोल सिर्फ गोल्ड चाहिए बेशक उहदियां झांजरां है भावें टिक्की है भावें जो भी है सरकार RBI नूं ये कह रही सी कि तुहानूं असीं सोने का प्रबंध आप कर दिंदे आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਖਰਾ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ RBI ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ RBI ਉਸ ਗੋਲਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗੋਲਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਡੋਲਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 4 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਚੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਬੋਂਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ 8 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਚਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਡ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਂਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੋਵਰਨ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਾਈਟ A4 ਪੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ ਉੱਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਆ ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ UPSC ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ IAS ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ PIB ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਆਜੂਗੀ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 2 ਜਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਸ ਉਹੀ 1 ਲਾਈਨਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ
हर मिनिस्ट्री का एक पेज ला लियो उहदे स्कीमां ऐड करी जायो एक लग जूगा दो जां तीन हद इन्ने ते ही एक मिनिस्ट्री दीआं स्कीमां पूरीआं आ जाणगीआं इही तां खास गल इहदे च सो गौरमेंट स्कीमां वास्ते कोई वक्खरा टॉपिक बनाउण दी लोड़ नहीं इत्थों ही कवर हो जाणी है हर घर योजना सॉरी हर घर जल कहिंदे आ जी मिनिस जल शक्ति मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय है उन्हां दी बड़ी सोहणी स्कीम सी कि 2024 च भारत दे हर घर तक पाणी पहुँचाउणा है टैप वाटर ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰ ਗੋਆ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਤਿਲੀਪੀਆ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੱਛੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ 2025 ਤੱਕ 2024-25 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 2024-25 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾਈ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਬਣਵਾਈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਲੂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਹ ਤਿਲੀਪੀਆ ਫਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ AK-203 ਰਾਈਫਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ AK-47 AK-94 ਇਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੂਗੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੋਲਟ ਰਾਈਫਲ ਆ AK-47 ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੋਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ AK-47-94 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਫਲਸ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਫਲ ਛੱਡੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ T-90 ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆ ਅਦਿਆਰ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ SU-MK ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਆ ਤੇਜਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਬਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ MiG-29 ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ MiG-21 ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੋਵ ਅਤੇ MiG-17 ਇਹ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਦੀ ਮੋਸਕੋ ਰਿਵਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ S-400 ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਦੂਗਾ
जे वो मिजाइल हजे साडे एटमोसफेयर च एंटर नहीं हुई तो यह वो मिजाइल छड़ूगी जिहड़ा वो मिजाइल छड़ूगा जिहड़ा एटमोसफेयर तो बाहर जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है दूजी मिजाइल नूं, उहनूं कहिंदे आ एक्सो एटमोसफेयर। रब ना करे कोई मिजाइल साडे एटमोसफेयर च नेड़े आ गई फिर ये एंडो एटमोसफेयर जिहड़ी अंदरूनी वातावरण च चलण वाली मिजाइल छड़ूगा। ये सारे काम यह आप ही करता है। तो भारत ने यह रशिया तो खरीदया सीगा, जो भारत ने S-400 रशिया तो खरीदया सी ना तो असी अमरीका का थार्ड सिस्टम रिजैक्ट करता सी थार्ड, इस करके अमरीका साढ़े तो नाराज हो गया सी। असी बेश उन्हां तो क्यों खरीदया सी, उस तो पहला इंडिया को अपना अश्विन भी हैगा है योजे प्रोटैक्टिंग सिस्टम, पर इंडिया जिहड़ा सीगा वो S-400 नूं बहुता ज़्यादा सिक्योर मानता है, इस करके दिल्ली शहर नूं प्रोटैक्ट करन वास्ते असी S-400 रशिया तो अरेंज करिया सीगा। सो ये सारे करंट अफेयर मैं कवर कराते जो मैं नहीं चाहता कि एक दिन चे कल प्री न रिलेटड ही करंट अफेयर हो, मेन्स न रिलेटड एक करंट अफेयर आ बेहद इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पीसा एक्ट 1996। ठीक है जी, अगला करंट अफेयर साडा जिहड़ा रह गया दैट इज़ पीसा एक्ट 1996। करंट अफेयर की आ पहला समझिए कि वट इज़ पीसा एक्ट, पीसा एक्ट है की आ। जदों आपां पॉलिटी पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, मैं मेन्स के आर्टिकल्स पढ़ाउणा ही आ टॉपिक, मैं तुहानूं एक गल होर क्लीयर दसदा कि जे तुसीं साडे नाल जुड़े हुए हो ना तो 85588-00797 इस नंबर पर तुसीं वट्सएप करके PCS मेन्स की जानकारी लै सकते हो। ठीक है, बाइलिंगुअल हैगा है आ आर्टिकल उहदे च आया सी इंडियन एक्सप्रैस का, तो सानूं इह गल दी टेंशन खत्म आ कि सानूं हुण मेन्स के आर्टिकल समझ नहीं आउणगे, गल सिर्फ साडे समझण दी रह गई, समझाउणा तो साडी जिम्मेवारी आ ते उसी समझाई देना है। ठीक है, सो पीसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट आ, पहला समझो तुहानूं पता भारत दे विच एक उन्होंने पंचायतों को हक देने वास्ते एक एक्ट बनया सीगा दैट इज़ पंचायती राज। ये पंचायतों का जिहड़ा हक पंचायत जिहड़ियां ना इन्हां दा जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन जदों बनया सी उदों नहीं सी हैगा, उदों सिर्फ पंचायतों का जिक्र मामूली जी जगह पर सीगा, फिर संघर्ष होया तो पंचायतों का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन च कीता गया कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 च। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के पंचायतों का जिक्र किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 च पंचायतों का जिक्र होया ना तो उदों कई जगह पर रौला पै गया कि जेड़े साढ़े ट्राइबल यानी कि जनजातीय इलाके आ जां अनुसूचित जाति आ इलाके आ जिहड़े कि आपां उत्थे भी पंचायती राज एवें लागू कर दिए, उन्हां लोकां दे ते अपने रीति रिवाज कस्टम्स ने उन्हां दा की करांगे। 1993 की 24 अप्रैल जिस दिन असी पंचायती राज दिवस मनाने हैं पंचायती राज डे मनाने हैं उस दिन असी पंचायती राज नूं पूरे भारत च लागू करता सिर्फ उन्हां इलाकों जिन्हां नूं असी शड्यूल्ड एरिया यानी कि अनुसूचित इलाका ते ट्राइबल एरिया यानी कि जनजातीय इलाका कहने उन्हां नूं छड्ड के। शड्यूल्ड एरिया साडे संविधान दे विच ना 5वें शड्यूल च दर्ज आ, शड्यूल भारत दे संविधान दे विच ओह लिस्ट आ जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर इंपॉर्टेंट 12 विषयां की वक्री लिस्ट बनी है, उच्च 5वां विषय है 5वां सबजैक्ट आ शड्यूल्ड एरिया ते 6वां सबजैक्ट आ 6वां शड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। तुसीं कहोगे आ की गल, इक्को ही गल हुई, इत्थे भी ट्राइबल्स रहिंदे आ इत्थे भी ट्राइबल्स, ये भारत के आम ट्राइबल्स ने, ये वो जनजातीय लोग ने शड्यूल्ड एरिए वाले जिहड़े साडे वर्गे ने तुहाडे वर्गे ने ते सारिआं वर्गे ने। ठीक आ, सारिआं वर्गे ने, ते ट्राइबल्स वो ने जिहड़े स्पैशली नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व टिपीकल जे ADMM स्टेटा च रहिंदे आ असाम त्रिपुरा मेघालय ते मिजोराम, वो स्पैशल ट्राइबल्स ने। ठीक आ, इन्हां नूं तां कहता कि तुहानूं भी पंचायती राज मिलेगा पर थोड़ा जिहा तुहाडे अकॉर्डिंग इंप्रूव हो के, उत्थे ये पंचायती राज नहीं होगा उत्थे ये होगा पीसा पंचायतां एक्सटेंशन टू शड्यूल्ड एरिया। ठीक है, क्योंकि 5वां शड्यूल्ड एरिया आ जिहड़ा ट्राइबल एरिया ना ATMM वाला इत्थे कहिंदे कोई पंचायती राज नहीं लागू होगा, इत्थे तां इन्हां दे अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनणगे अपने खुद मुख्तियार जिले बनणगे। ये अपने खुद मुख्तियार जिले किहड़े आ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये भारत दे विच इन्हां 4 स्टेटां च ने, इन्हां 4 स्टेटां च किहड़े किहड़े जिले, एक एक स्टेट च किन्ने किन्ने जिले खुद मुख्तियार ने ते उन्हां दे की नाम ने ये तुसीं खुद लिखना है नोट करना है। इन्हां नाल पीसा का कोई संबंध नहीं गा क्योंकि इत्थे तां ऑटोनोमस जिले ने, इन्हां दा अपना ही सिस्टम आ। तुसीं कहोगे कि 6वां शड्यूल सानूं पढ़ाओ, बई मैं कॉन्स्टिट्यूशन च होर की पढ़ाउणा जदों मेन्स दा थोरोली पढ़ांगे आपां, तो तुसीं इह वी कहोगे कि 5वां शड्यूल च जिहड़ा पीसा है वह भी पढ़ाओ, पढ़ाउणा मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन च, पर करंट अफेयर च आ गया उस बहाने साडा कवर हो जाणा। ये जिहड़ा पीसा एक्ट आया है ये आया क्यों आ, ये भी सोचने वाली गल आ।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1996 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਆ, ਇਸ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਇਹ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲਣ ਐਕਟ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਸਾ ਰੂਲਸ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 96 'ਚ, ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਪਰਸੋਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2006, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਸਾ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, HP, ਝਾਰਖੰਡ, MP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਸਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਆ। 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ, ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ST ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1992 'ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਤੇ 1992 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 3 ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ, ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਲੋਕ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਹ ਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ATMM ਸਟੇਟਸ ਨੇ,
असाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम बाकी दियां इत्थे 10 स्टेटां ने। इत्थे किया गया पीसा एक्ट मतलब पंचायती राज ही लागू किया बट एक्सटेंशन करके होर तरीके नाल। इत्थे एवें दा कुछ नहीं हैगा, इत्थे इन्हां दे अपने खुद मुख्तियार जिले ने ऑटोनोमस जिले। सो इस तरीके नाल ये सारा सिस्टम चलिया। सो पंजवें शड्यूल आ रहे एरिया च पंचायती राज लागू आ, ठीक है। तो ये गल बुरिया कमेटी ने कही से 1995 कि शड्यूल्ड एरिए जिहड़े आ ना पंजवें शड्यूल आए उत्थे पंचायती राज नूं सीधा लागू ना करो, उत्थे एक्सैप्शन दे नाल लागू करो। वजह ताकि उन्हां लोकां नूं हक मिल सकन एक्सट्रा, क्योंकि वो जंगलों रहने वाले लोग उन्हां दे कहड़ा अपने विचारियां दे घर ने। इस करके कि डिवेलपमेंट रिलेटड ताकत उन्हां लोकां कोल होण, वो खुद अपने प्रोजेक्ट जिहड़े उन्हां दे इलाके च प्रोजेक्ट आउंदे आ उन्हां नूं परमिशन दे सकन, ठीक है। अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने कल्चर नूं मेनटेन करके रख सकन, अपने रीति रिवाज नूं, ते अपनियां जिन्नियां भी गौरमेंट दियां स्कीमां ट्राइबल्स वास्ते आउंदियां है उन्हां ते इन्हां दा कंट्रोल होवे। इस करके आया गया सीगा। दूजी गल, इन्हां दा जिन्ना भी न्याय दा सिस्टम एक दूजे नूं सज़ा देण वाला इन्हां दे अपने रीति रिवाजां दे निजमां कानूनां दे धार्मिक विश्वासां दे अकॉर्डिंग होवे। तीसरी गल, तां कि इन्हां दा अपने पानी हवा जिहड़ी सांझी जमीन आ ते माइनर फॉरैसट प्रोड्यूस हुंदा कि जंगलां च लक्कड़ नूं छड्ड के बाकी सारियां झाड़ियां समीटियां फुल शहद वगैरह सब कुछ उहदे ते सारे ते इन्हां दा कंट्रोल। ते जिन्ना भी खनिज जंगलों दो प्रकार का खनिज जां कोले वर्गा मिनरल्स ते जां आम सैंड वगैरह जां होर छोटे मिनरल्स, जिहड़े ते कोले वर्गा खनिज उन्हूं तां कहिंदे आ मेजर मिनरल्स, उन्हां दे तां सरकार दा कंट्रोल आ, पर माइनर मिनरल्स ते इन्हां दा कंट्रोल आ। ये मैं नहीं कह रहा, ये किहदा किहड़ा एक्ट कहिंदा है, एक पीसा एक्ट इन्हां नूं हक दिंदा माइनर मिनरल्स ते, ते एक फॉरैसट राइट्स एक्ट 2006। ये मैं पढ़ाया नहीं हजे, ये पढ़ा रहा मैं। सो माइनर मिनरल्स ते इन्हां दा हक आ, माइनर फॉरैसट प्रोड्यूस जो जंगलों से उत्पाद पैदा होंदा उहदे ते मामूली जंगल उपजा जिहड़ियां छोटियां ने इन्हां दी सांझियां जमीनां जंगल पानी ते इन्हां दा हक होवे। इस करके माइनर फॉरैसट प्रोड्यूस की डेफिनेशन जी फॉरैसट राइट एक्ट दिती हुई है। हर एक चीज़ जी गैर लक्कड़ आ, ठीक है, जी जंगली लक्कड़ नहीं गी, वह नॉन टिम्बर आ जी चीज़ जिद पौधे बैंबू ब्रशवुड स्टंप केन ते टुसार ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद असल दे विच जे कोई मैनू पुछे कि ये पीसा एक्ट इन्निया स्टेटा च लग्या भी फिर भी जो तुसी खबरां सुनते हो तो तुसी इस चीज़ नू समझो कि ये एक्ट प्रॉपर तरीके नाल लागू क्यों नहीं हो रहा। असल दे विच की आ, स्टेट सरकारां ने अज तक इन्हां नाल संबंधित रूल्स बनाई नहीं ते सेंटर दे एक्ट नू लागू ही नहीं किया तां कि सानू किते लोकां नू हक ना देने पै जाण, पहली गल। दूजी गल, इस एक्ट ने किसी भी तरीके नाल लागू होने तो बाद भी लोगों के हाथ च पावर बिल्कुल नहीं दिती, ये दूसरी गल। तीजी गल, पीसा एक्ट के तहत अफसर जिहड़े आ उन्हां कोल किन्नियां क पावर ने, लोगों को किन्नियां पावर ने, इहदा अफसरां तक नूं भी नॉलेज नहीं हैगी। अफसरां नूं भी नहीं पता कि पीसा एक्ट के तहत लोगों कोल किहड़ियां किहड़ियां शक्तियां ने। ये चीज़ भी मन्नी जाती है कि पीसा एक्ट जिहड़ा है ना उहदे च कोई कलैरिटी भी है नहीं गी, साफ तौर पर स्पष्ट भी है नहीं कि स्टेट सरकार किहड़ियां किहड़ियां पावर लोगों को दे सकती है। तो जे आपां ये देखा जाए ऑडिट देखा जाए सोशल ऑडिट जो समाजिक तौर पर NGOs वगैरह कर दियां ने उन्होंने भी कहा है कि ये सब कुछ जिहड़ा कह दिंदे आ ना कि ग्राम सभा नूं ताकत आ, पंचायतां नूं उन्हां नूं ताकत आ, ट्राइबल्स नूं अपने फैसले करन दी आप ताकत आ, ये सब कागजात ही आ, असलीयत च इहो जिहा कुछ भी है नहीं। ये सब कारण ने इहदे फेल होण दे, ठीक है। सो अगे जाके तो मैं यही गल समझाई आ कि 6वें शड्यूल तो 5वें शड्यूल च की फर्क आ। तो मैं वार वार कहा कि पीसा सिर्फ 5वें शड्यूल च लगता है, ठीक, पीसा 5वें शड्यूल च लगता है, आ जिहड़ियां 6वें शड्यूल दियां स्टेटां ने ना AMTM उन्हां ते पीसा नहीं लगता, ठीक है। उत्थे की आ ऑटोनोमस जिले, तो मैं तुहानूं पुछिया दस्सिया ना कि भारत च इन्हां चार स्टेटां च 10 ऑटोनोमस जिले आ जिन्हां दा तुसीं पता करके आना है कि उन्हां चार स्टेटां च किहड़े किहड़े जिले ऑटोनोमस जिले आ। 5वें शड्यूल च इन्हां चार स्टेटां नूं छड्ड के बाकी दियां 10 स्टेटां आउंदियां, छत्तीसगढ़ झारखंड सारियां गणातियां, उत्थे पीसा एक्ट लागू आ, उत्थे भी अपना जिहड़ा पंचायती राज आ सीधा लागू नहीं गा। 6वें शड्यूल का तो कोई मतलब ही नहीं ना हैगा पीसा नाल, वह तो ऑटोनोमस जिले आ, उन्हां दा अपना गवर्नेंस का फार्मूला है जिहड़ा मैं उदों पढ़ाऊँगा जदों मैं ट्राइबल एरिया पढ़ाऊँगा, क्योंकि 6वें शड्यूल च आउंदा है ट्राइबल एरिया, 5वें शड्यूल च आउंदा है शड्यूल्ड एरिया, रहिंदे दोवें जगह ते ST लोग ने, शड्यूल ट्राइब्स ने, 5वें शड्यूल वाले आम ट्राइबल्स ने, 6वें शड्यूल वाले AMTM वाली स्टेटा च वह ने जिहड़े आम लोगों च मिल नहीं सके, घुल मिल नहीं सके।
साडे नाल अज नहीं घुले मिले वो बड़े अजीब जे तरह के लोग ने बस अपनी ही दुनिया च रह के खुश ने इस करके असी उन्हां वास्ते पीसा भी नहीं बनाया उन्हां नूं उन्हां दे कस्टम्स दे अकॉर्डिंग ही ऑटोनोमस खुद मुख्तियारी देती कि तुसीं अपने अंदर करो जो सिस्टम करना है ठीक है पर अज भी उत्थे बहुत किसी तरीके दे उह सरकारां तों खफा है ते उत्थे उन्हां ने हथियार भी चक्के होए आ इनसरजेंसी बहुत आ ते तुहानूं मैं जानकारी दसदा आपां वी इस इनसरजेंसी बारे GS3 च पढ़ांगे इंटरनल सिक्योरिटी अंदरूनी सुरक्षा भारत की इनू लैके मैं तुहानूं भारत दीआं जिन्नीआं CAPFs ने आर्मड फोर्सिस भारत च किहड़े किहड़े टारगेट मिशन चलते आ ते किहड़ीआं किहड़ीआं भारत च इनसरजेंसीज आ नक्सलवाद की आ खाड़कूवाद की आ नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व च खाड़कूवाद की आ उत्थे माहौल क्यों खराब आ अराजकता क्यों आ नक्सलवादी क्यों भारत नाल लड़ रहे आ तो भारत में बाहरले देशों तो किहड़े खतरे आ इह सब जनरल सिक्योरिटी का टॉपिक आ बहुत कुछ आ मेन्स दे पेपर च जिन्हों आपां हुण अगे जाके हौली हौली करांगे पर मैं ये दसदा कि ये वास्ते तुहानू मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप डाउनलोड करनी पवेगी वध तो वध साडे इस बायलिंगुअल कोर्स च तुसीं शामिल होवो ठीक आ सानू हुलारा मिलेगा सानू हौसला मिलेगा तो खुशी होगी सानू सवाल यह आ कि पीसा एक्ट भारत के ट्राइबल्स की एक बैकबोन के रीढ़ की हड्डी के तौर पर मनिया जाता है पर की तुसी मानते हो कि इहदी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन दोबारा फिर इस देश के जिहड़े जनजातीय लोग उन्हां दे विच स्वै शासन नूं पुनर जागृत कर दूगी कर सकती है इहदे ते आंसर लिखो इंग्लिश पंजाबी च सवाल लिखिया होया आ एक बड़ा सोहना सवाल आ कि जिहड़ा पीसा एक्ट आ ना इहदा हेठ लिखिया चों किहड़ा मकसद नहीं सी छेती दस्सिओ आंसर सैल्फ गवर्नेंस स्वै शासन देना लोगों उन्होंने परंपरागत हक देने ऑटोनोमस इलाके ट्राइबल एरिया से पैदा करने उन्होंने शोषण तो बचा चारा चो की आंसर आ कमेंट करके दस्यो बड़ा घेंट है अगे आ जाओ कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कहिंदे पीसा एक्ट भुरिया कमेटी के कहने आया 1995 पीसा एक्ट जिहड़ा है ये 5वें शड्यूल के एरिया च लागू किया गया पीसा एक्ट के तहत सूबा सरकारां पीसा एक्ट नूं अमेंड कर सकदियां है पर उहदे मूल ढांचे नूं खत्म करे बिना उहदे असली उद्देश नूं खत्म करे बिना उहनूं थोड़ा जिहा चेंज करके स्टेटां च लागू कर सकदियां है किहड़ी ऑप्शन सही है 1 and 2 only 2 2 and 3 के 1 2 and 3 घेंट सवाल आ और प्री ओरिएंटड भी पाते मेन्स ओरिएंटड भी कराते पर तैनूं इसे तरीके नाल हर रोज़ के करंट अफेयरस एवें मिलिया करनगे लैक्चर बेशक लम्मा होया करूगा पर एक गल याद रखियो ये करंट अफेयरस का एक बहाना है वो मगर का स्टैटिक करवाना ही साडा मकसद आ सो ये मास्टर क्लासिस पटियाला का एक उपराला जरूर उम्मीद करदा कि तुहानूं चंगा लगेगा अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ धन्यवाद।